तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। इसमें बेसिकली कहते हैं, ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन ए वर्टिकल पोस्ट ऑफ द हाइट 20 मीटर। मतलब एक वर्टिकल हाइट है, चलो ये मान लेते हैं वर्टिकल हाइट है। थोड़ा मैं स्टाइलिश बनाता हूँ, तो भाई स्टाइलिश लोग स्टाइलिश ही बनाएंगे। तो ये यहाँ से एक वर्टिकल पोस्ट है। अब थोड़ा खराब हो गया स्टाइल, ठीक है। तो ये यहाँ से बॉल, यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, मास टू रेस्ट ऑन वर्टिकल पोस्ट हाइट 20 मीटर। ये जो है वो 20 मीटर हाइट ऐसा दिया हुआ है। दिस इज द बिल्डिंग हाइट एच, ये वाला ठीक है, पोस्ट की हाइट है। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग इन, इसका जो मास है इसका, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका जो ये जो मास है, इस बॉल का मास, मास ऑफ बॉल जो है वो, इसको मैं M1 मान लेता हूँ, वो 200 ग्राम है, मतलब 0.2 kg है। और मास ऑफ बुलेट, इस बुलेट को मैं 2 से डिनोट कर देता हूँ। तो ये जो बुलेट है उसको मैं बेसिकली 2 से डिनोट, M2 इज इक्वल टू कितना है भाई, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम जो है 0.1 kg है। ट्रेवलिंग इन हॉरिजेंटल आई हिट द बॉल। अगर यहाँ से, अब ये भाई यहाँ से एक बुलेट आ रहा, और ये जो बुलेट है, ये बुलेट, इस बुलेट का मास M2 है और इसका मास M1 है। अब ये जो बुलेट है इसको हिट करेगा, ठीक है। ये भाई, ये U1 क्या था, रेस्ट में था, और ये U2 कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और वो दिया नहीं है, वही तो निकालना होगा। वो निकालना होगा। जब ये हिट करेगा, आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल इनडिपेंडेंटली। जब इनडिपेंडेंटली मतलब वो होता है कि ये दोनों जो है ग्रेविटी में फॉल करेंगे। मास अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल का पाथ अलग अलग होगा। और ये कहते हैं बॉल हिट 30 मीटर, ये जो बॉल है वो 30 मीटर से यहाँ गिर जाता है। ये डिस्टेंस 30 मीटर है, दिस डिस्टेंस इज 30 मीटर। तो ये बॉल 30 मीटर हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से बुलेट जो है वो इधर कहीं गिर जाता है। तो बुलेट ये कहते हैं 120 मीटर। तो 120 मीटर पे बुलेट ये यहाँ से हिट करता है। तो ये 120 मीटर पे बुलेट हिट करता है फ्रॉम द पुट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मतलब U2 की वैल्यू हमें निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का रेंज दिया हुआ है। ये जो है रेंज R1 है, ठीक है ना, और ये जो रेंज है वो R2 है, दैट इज रेंज R2। दोनों में कॉमन बात क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा, नीचे आने में लगा हुआ जो टाइम है वो मैं लगा देता हूँ, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² इन Y एक्सिस। तो अगर मैं इसको Y एक्सिस में लगा देता हूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया जाएगा 2H/Z√। तो देख रहे हो H सभी का सेम है, और 2 और H की वैल्यू कितनी है भाई, H की वैल्यू है, यहीं पे निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। H की वैल्यू है 20, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 0 ने 0 को ख़त्म कर दिया, और ये सब कुछ √, तो 4 दैट इज 2 सेकेंड। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ऑब्वियसली दोनों का कितना है, 2 सेकेंड है, और ये दोनों का सेम होगा। तो पहले का जो रेंज मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं दोनों अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पे मूव किए होंगे। तो इस वेलोसिटी को मैं, जो बुलेट है उस बुलेट की वेलोसिटी को मैं V2 मान लेता हूँ, और जो बॉल है उस बॉल की वेलोसिटी को मैं V1 मान लेता हूँ, ठीक है। और ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। एक्स एक्सिस में V1 और V2 आर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस है, दैट इज इट रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो एक्सलेशन एक्स एक्सिस में 0 है, तो वेलोसिटी को तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो चलो एक्स एक्सिस में मैं मोमेंटम कंजर्व करा देता हूँ। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में मोमेंटम, पहले V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, रेंज दिया है। तो रेंज R1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। तो रेंज R1 इज इक्वल टू, मतलब V1 टाइम अप्लाई T इज इक्वल टू
30, मतलब V1 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई टाइम अप्लाई, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। और जो V2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V2 की वैल्यू रेंज रेंज डिवाइडेड बाई टाइम, रेंज इसका 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये 60 मीटर पर सेकेंड और ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम बात करोगे यहाँ से, तो यह 15 और 16 मीटर पर सेकेंड यहाँ से बात करोगे, तो तुम बेसिकली देखोगे यहाँ से B1 और B2 देखोगे इतना से, तो मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। इनिशियल मोमेंटम मस्ट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 है, ठीक है। नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस क्या है भाई, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का देखो कितना होगा, तो बुलेट का मास कितना था, तो बुलेट का m2 u2 प्लस m1 u1 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 जो, और प्लस ये आ जाएगा 0.6। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो u2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगा 300 प्लस 60, मतलब ये आ जाएगा 360 मीटर पर सेकेंड, जो है वो इतना u2 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन, 360, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।